हेलो, गुड आफ्टरनून, दिस इज साहिल, आपका छोटा भाई। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि अपन ने अपनी हिमालयन में क्या क्या लगाया है, क्या क्या एसेसरीज एड ऑन करी है। तो उस मामले में मैंने पेपर बना लिया है, एस्टिमेट बना लिया है कि अपना कितना खर्चा आया है और क्या क्या आइटम लगाया है अपन ने, सारा कुछ मैंने लिख लिया है। तो अब मैं अपनी हिमालयन आपको दिखाता हूँ और साथ में शेयर करता हूँ कि अपन ने क्या क्या लगवाया है। तो लेट्स गो। आपको भाई ये बाइक आपकी ब्लैक मॉन्स्टर, तो चलो आओ दिखाते हैं आपको। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन फ्रंट से, अपन ने क्या क्या एक्सेसरीज एड ऑन करवाई है, क्यों करवाई है, क्या काम आती है, तो आओ साथ में भी देखते हैं। तो ये अपन ने बाइक की प्रो स्पेक की विंडशील्ड, ये एक्सटेंड विंडशील्ड है। तो इसका एक्सटेंड विंडशील्ड ये अपन ने बाइक की riderjunction.com से। सेकेंड थिंग आते हैं अपन इधर, तो ये अपन ने लगवाई है भाई BMW की कॉपी लाइट। ओरिजिनल तो भाई 60,000 की अपना बजट नहीं हुई चाहिए इतनी की तो अपनी बाइक के लिए। तो ये अपन ने लगवाई है 7,000 की बाइक करंट मोटोमार्ट, एंड दीज आर द फ्रंट फोक लाइट। तो ये अपन ने जो बाइक किया था, ये किया था अपन ने prospec.com से। तो इसके अपने को अराउंड था 1,100 रुपीज़। देन आफ्टर ये अपन ने जाना की लाइट भी ऑर्डर की थी, ये अपन को पड़ी थी 1,500 रुपीज़ बाई riderjunction.com। एंड देन आफ्टर आ जाओ, ये है फॉग लैम्प, इसके लिए अपने को बहुत ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसके बिना काम बनता नहीं है। तो ये पड़ी थी अपने को 1,500 रुपीज़ की, और जो इसकी ऊपर आप माउंटिंग देख रहे हैं, ये माउंटिंग अपने को पड़ी थी 850 रुपीज़। इसके अंदर अपन ने लगाई थी भाई LED बल्ब, तो वो पड़ा अपने को 1,000 रुपीज़। अब मैं आपको चेक करवाया था, इसमें नॉर्मल आती है नॉर्मल येलो कलर, बट अपन ने इसमें करवा दिया वाइट कलर। सो आई शो यू। ये अपने बाइक की जगह रखे ऑटोमार्ट से, इंडिकेटर्स में आपने चेंजेस देखे होंगे कि इसका फोकस ज़्यादा है। हाँ जी, सिमटेक के इसमें मैंने लगवाए हैं एक्स्ट्रा लैम्प, आप कह सकते हैं उसको LED लैम्प, और साथ में ही सिमटेक की इंडिकेटर टिपिकलर कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। तो वो होते हैं 60 टाइप के, उसमें 60 टाइप के आप अपने इंडिकेटर्स के इंडिकेटर्स लाइक चेंज कर सकते हैं अपने। ये है मेन थिंग, दीज आर द बगबस्टर्स हैंड गार्ड। तो ये अपना पाथ पेवर से लिए थे, और ये कंप्लीट मेरे को विद LED पड़ा था 15,000 का। यस 15,000। देन आफ्टर ये हैंडल जो मैंने अलग से लगवाया है, इस हैंडल का अपन एक्सटेंड हैंडल कहते हैं इसको, ट्यूरिंग हैंडल भी कह सकते हैं। ये अपने को पड़ा था आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से 22,000 रुपीज़। देन आफ्टर अपन ने इसमें राइजर लगवाया अपने हैंडल ऊँचा करने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए। मेरी हाइट है 6 फीट, तो मुझे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये अपने को पड़ी थी राइजर मे बी 1,000 रुपीज़। एंड देन आफ्टर ये आता है अपना बोबो मोबाइल माउंट विद चार्जर, तो ये अपने को पड़ा था अराउंड 1,750 रुपीज़। आफ्टर दिस थिंग इज़ लाइक गोप्रो माउंट, तो आई डोंट थिंक कि आप सभी लोगों के काम आती होगी, बट हाँ जो भी ब्लॉगर हैं या जो भी अपनी मेमोरीज के लिए सेव करने के लिए GoPro यूज़ करते हैं, तो हाँ उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये अपने को पड़ेगा 2,000 रुपीज़ ओनली, एंड ये आपको करण मोटो मार्ट पर ही मिलेगा, बाकी आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, बट जहाँ से मैंने बाइक है मैं अपनी बताया। और इसमें लगवाया है पावर सॉकेट, ये है पावर सॉकेट, ये है मैंने हाई वोल्टेज वाला लगवाया है, इसमें मेरा फास्ट चार्जिंग का मिल जाएगा मेरे को। तो ये है चेरी कैन, ये अपने को पड़ी थी 6,000 रुपीज़ विद माउंटिंग एंड विद फिटिंग एंड एवरीथिंग बाई करण मोटो मार्ट। और इस ये काम आती है जी अपना एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करने के लिए, लाइक ले सच और स्पीति एंड आगे सिक्किम वाली साइड भी, वहाँ पेट्रोल नहीं मिल पाता है, तो अपने को एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ता है और इससे बाइक। हाँ जी, तो आप इधर आइए अपने को दिखाते हैं, ये है सामने का क्रैश गार्ड, ये अपने को पड़ा 3,500 रुपीज़ का करण मोटो मार्ट से विद फिटिंग। ये रिजर्व कैप, और ये पीछे वाली ब्रेक का, इसमें जितना भी ऑयल रहता है डिस्क ब्रेक का तो ये इसमें रहता है। ये अपन इसलिए लगाते हैं कि शायद बाइक अगर गिरती है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर नहीं आना चाहिए। सेम है ये अपना 800 रुपीज़ का मास्टर सिलेंडर गार्ड, रियर मास्टर सिलेंडर गार्ड, तो इसके ऊपर भी यही सेम थिंग है। अगर अभी तो पैनियर्स लगे हुए हैं बाइक की, विदाउट पैनियर अगर बाइक गिरती है और डायरेक्ट इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये चीज़ क्रैक हो सकती है, टूट सकती है और आपकी ब्रेक फेल हो सकती है। तो ये चीज़ मस्ट है, ये भी 800 का आया था, ये भी 800 का, ये मैंने बाय किया था riderjunction.com से। देन आफ्टर अपन बात करते हैं इजी ब्रेक, तो ये है प्रो स्पेक कंपनी की, और इस पर अच्छी से ग्रिप बनी रहती है,
तो ये मेरे को पड़ी थी अराउंड 1500 या 1800, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इतने के अंदर ही, 2000 के अंदर अंदर। देन आफ्टर अपन बात करते हैं फुट पैक एंटी स्लिप, जो ये नॉर्मली ये फुट पैक होते हैं, ये वाले आते हैं रॉयल एनफील्ड के साथ। इस पे क्या होता है, जब अपन खड़े होकर बाइक राइड कर रहे हो तो शायद से पैर स्लिप होने का डर रहता है, बट ये अपने को पड़ा है 3500 का, और इस पर पैर स्लिप होने का कोई मतलब ही नहीं है। बोलो वापस। हाँ जी, तो अब आते हैं पेनियर के ऊपर। ये पेनियर और ये पेनियर अपने को पड़ा था विद फिटिंग के साथ 28,500 रुपीज कंपनी। ये रॉयल एनफील्ड के ही, और ये मैं कंपनी से ही बाय किया था एक्चुअली। देन आफ्टर ये मैंने एल्यूमिनियम बॉक्स बाय किया था टॉप बॉक्स करण मोटो मार्ट से। ये मेरे को पड़ा था 18,500 रुपीज कंपनी, 18,500। हाँ जी, अब अपन मेन बात करते हैं आपकी जो स्टॉक बाइक है उसमें ये नहीं लग सकता। इसको कहते हैं बैक रेस्ट। ये बैक रेस्ट आपके नॉर्मल स्टॉक इसमें नहीं लग सकता बाइक में। ये आपको जाना का अलग से टॉप रैक लेना पड़ेगा, उसी में ही ये फिट होगा। टॉप रैक आपको अराउंड पड़ेगा 4,000। इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके स्टॉक वाले से, और ये आपको पड़ेगा 1,000 रुपीज का बैक रेस्ट कंप्लीट। वाइट एरा का स्टैंड एक्सटेंडेड, तो ये अपने को पड़ा था अराउंड 1,500 रुपीज। इससे जब अपन बाइक सैंड में या कहीं ऐसी जगह खड़ी करते हैं, बाइक नीचे दबने का डर रहता है, तो इससे बाइक नीचे दबेगी नहीं और काफ़ी अच्छा है, लुक्स भी बहुत अच्छा है इससे। देन आफ्टर बात करते हैं दिस इजी क्रूज। ये क्रूज पैक कंपनी का है, और इससे लाइक एक पोजिशन पर बैठा बैठा एक राइडर थक जाता है, उसके पैरों में दर्द होने लगता है लॉन्ग राइड्स में, तो ये बहुत मस्त अच्छी चीज़ है। एंड आई सजेस्ट फॉर दिस प्रो स्पैक इजी क्रूज। ये आएंगे आपके 2,500 रुपीज के आपको लॉन्ग राइड पर। हाँ जी, तो ये अपन ने लगवाया इसमें इजी क्लच। इजी क्लच एक वायर आती है जो मेनली सुपर बाइक्स में मोटी वाली वायर आती है, और नॉर्मल बाइक्स में पतली वायर आती है। इसके बाद आते हैं जी अपन ये हॉट ग्रिप्स। आप देख रहे होंगे ये हॉट ग्रिप्स है। हॉट ग्रिप्स क्या वर्क करती है मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम ऊपर लो टेम्परेचर में जाते हैं लाइक प्ले सच, तो वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है और आपके हाथ कम काम करना स्टार्ट हो जाता है, लाइक फ्रोजिंग टाइप में आपके हाथ उठाते हैं। देन आपके लिए आपकी क्लच एक्सीलेटर कुछ भी वर्क नहीं कर पाते, तो ये हमने लगाया नीचे के लिए। आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हीट कंट्रोलर है, इंटेलिजेंट कंट्रोलर। इसके आप अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं आपको किस टेम्परेचर की हीटिंग ग्रिप्स चाहिए, और ये है 30%, 40%, 50%, 75% एंड 100%। बट इस टेम्परेचर में अभी बिल्कुल भी अपने को नीड नहीं है, तो अभी इसको बंद कर देते हैं। तो ये भी मैं कहूँगा कि मस्त है। और आपको लग रहे होंगे कि मिरर्स क्यों चेंज है, तो मिरर्स की राम कहानी मैं बता देता हूँ। मेरे को KTM वाले मिरर में ये मैंने लिए हैं, KTM सर्विस सेंटर से। ये अपने को पड़ेंगे बहुत चीप प्राइस है, 450 रुपीज़ ऑनली। तो आई सजेस्ट ये जरूर लगवाना। क्यों, रॉयल एनफील्ड का जो मिरर होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें पीछे का नहीं दिखता, और ऊपर से वो बहुत जल्दी ढीला भी हो जाता है। तो आई सजेस्ट फॉर दिस आप KTM की ओरिजिनल बाय करें जस्ट 450 रुपीज़ पे। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, मेरी बाइक को अच्छा लुक भी दे रही है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।